हेलो गाइस, तो क्या हाल है भाइयों। तो फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है और आज लेके आ गए हैं थोड़ा सा अलग एक मोड ट्राई करने। ये है पेंसिल के पीछे का ढक्कन जो कि मैंने यूज़ किया है अभी आज के इस मोड में, और इसको मैंने बना दिया है सबसे ज़्यादा अटैक टाइप बेब्लेड। सबसे ज़्यादा अटैक टाइप तो नहीं कहेंगे लेकिन एक काफ़ी अच्छा अटैक टाइप ड्राइवर, साथ में अच्छे स्टेमिना के साथ, क्योंकि इसमें कोई रबड़ नहीं है तो स्टेमिना भी काफ़ी अच्छा होगा। फ्रिक्शन थोड़ा सा कम है इसलिए तो काफ़ी काफ़ी ठीक रह सकता है ये ड्राइवर। और इसको हम यूज़ करेंगे हम अल्टीमेट ड्राइवर, अल्टीमेट वेलक्री पे। ओके, तो ये है हमारी अल्टीमेट वेलक्री, और अभी अल्टीमेट वेलक्री काफ़ी सही लग रही है भाई। इसमें ज़्यादा लंबी भी नहीं लग रही और ज़्यादा छोटी भी नहीं लग रही, तो जितना हाई मोड पे होता है अल्टीमेट वेलक्री उतना बन गया ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें यूज़ किया ये। तो भाई हमारा अल्टीमेट वेलक्री अब बनने वाला है काफ़ी डेंजरस, और हम करेंगे इसकी कुछ फाइट कुछ बेबलेट से। काफ़ी काफ़ी सारे बेबलेट्स हैं हमारे पास, टीटी भी है, हैशब्रो भी है, सबसे करेंगे, और हैशब्रो वाले स्टेडियम में ही करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है अटैक टाइप बेबलेट के साथ। ओके, तो ये है हमारा स्टेडियम और ये है हमारा बेबलेट और ये है हमारा लॉन्चर, पावर लॉन्चर के साथ लॉन्च करेंगे। 3 2 1 हो जाए शुरू। ये देखो भाई, ओ भाई देखो स्टेमिना देखो, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ इसका। अगर इसका ओरिजिनल ड्राइवर होता तो अब तक वेलक्री बंद हो चुका होता, बंद होके 2 बार बंद हो चुका होता भाई इतनी देर में तो। अरे नाइस, ये तो बढ़िया चीज़ बन गई भाई, पूरा स्टेमिना टाइप है विद अटैक टाइप, तो अलग सा ही कॉम्बिनेशन बन गया इन दोनों का तो। और देखो भाई अभी तक चल रहा है इतना अच्छे से, तो ये तो काफ़ी काफ़ी बढ़िया चीज़ बन गई भाई। और ये हर जगह काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, ये देखो यहाँ पे भी अड़ फंस सकता है, और यहाँ तो करना ही है इसको, ये लाइन है जो यहाँ यहाँ तो करेगा ही काम। लेकिन मेन जो होगा इसका स्लिंग शॉट वाला सिस्टम होगा, जो कि कुछ ऐसे होता है पूरा इस पर बेबलेट पे लग के, मतलब स्टेडियम के कोने कोने में लग के ऐसे अटैक करेगा, ऐसे आके ऐसे लगेगा। तो यहाँ कोई बेबलेट होगा तो उसके ऐसी टक्कर लगेगी कि वो दोबारा वहाँ पर रुकेगा नहीं, ऐसा कुछ सीन है इसका गाइस। ये था नॉर्मल ड्राइवर और ये हमारा मोडेड ड्राइवर है। इस बार नॉर्मल से भी कर लेते हैं, नॉर्मल का स्टेमिना भी देख लेते हैं कितना ही है। वैसे मैंने दिखा चुका हूँ, काफ़ी कुछ ज़्यादा का खास है नहीं इसका। बस ये था भाई नॉर्मल का। नॉर्मल पे बैलेंस भी नहीं बन पाता इसका क्योंकि काफ़ी घिस चुका है ये, बिल्कुल अवेकन हो चुका है ना, और स्टेडियम में भाई इसको जगह ही नहीं मिल पाती अटैक करने की, और घूम घूम के सारी स्टेमिना ख़त्म कर देता है। लेकिन ये वाला अलग है गाइस, और इसकी फाइट अभी करते हैं अल्टीमेट वेलक्री हैश ब्रो वर्जन। 3 2 1 ये, ओ ये गया गया गया, ओ भाई बच गया। अरे कब तक बचेगा, बस 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 बस, ये यार बस नहीं कर पाया, शिट यार बस नहीं कर पाया, मेरे को बस देखना था यार इसका। अल्टीमेट वेलक्री ज़्यादा बस नहीं होता यार, कभी कभी हो जाता है बस, कभी कभी तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ओके एस जगन, 3 2 1 हो जाए, 3 2 1 हो जाए, मोन मोन, ओ क्या ये है, नाइस, ओहो भाई हिला दिया भाई, हिला दिया भाई, हिला दिया एस जगन, हिला दिया तोते उड़ा दिया भाई, ठीक है गाइस एस जगन के तो गए भाई, झंडे गाड़ दिए। ओ भाई बर्स्ट होने वाला था अल्टीमेट वेलक्री, ओहो ये भी कुछ देखना पड़ेगा गाइस। अब करते हैं हरक्यूलिस से, हरक्यूलिस को देखते हैं हरक्यूलिस क्या कर पाएगा। तेज करते हैं थोड़ा लॉन्च, ओ नाइस, फुल स्पीड अल्टीमेट वेलक्री, और स्टेडियम देखो अपने आप कहाँ चला गया भाई, कहाँ से पूरा स्टेडियम मिल रहा है यार। ओ ये क्या टक्कर मारी है भाई, गया हरक्यूलिस भी, गया हरक्यूलिस भी गया भाई, बैलेंस ही नहीं बना पा रहा हरक्यूलिस। अरे शिट यार, इसका लाइफ आफ्टर डेथ वाला सिस्टम समझ इसको बचा लेता है, नहीं तो भाई बहुत बुरा हाल कर दिया था हरक्यूलिस का। ओके, और कमाल की बात है स्टेडियम पूरा ही घूम जाता है भाई, यहाँ से यहाँ चला गया। ओके डायनामाइट बेलियल से करते हैं, और हाँ गाइस जितने भी ये हैशब्रो के बेबलेट्स हैं और जितने भी टकारा टोमी के, मेरे को जिनका भी कोई अच्छा बाय लिंक मिला मैं वो व्यू प्रोडक्ट वाले इस पे आइकन पे डाल दूंगा, तो यहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो। तो और काफ़ी नया फंक्शन है ये यूट्यूब का, और काफ़ी हेल्पफुल है, कभी कभी काफ़ी सही काम कर देता है। ओके 3 2 1 नहीं, पहले बेबलेट ले लेते हैं ना। ओके ये तो इफ्रिट हो रहा है ना, इसको तो राइट ही करेंगे। 3 2 1 3 2 1 गया, वो गया था भाई, ओहो। अरे यार भाई साहब झंडे गाड़ दिए यार,
मतलब इतनी बुरी तरह से फेंक के मारा ना फ्रेटोर को। ये देखो भाई, इसका डिस्क भी निकल गई। नहीं, इसकी जो ऊपर वाली वेट डिस्क होती है, वेट होता जो, हाँ, ब्रेव वैल्की से कर लेते हैं। देखते हैं भाई ब्रेव वैल्की क्या कर पाता है। वो अल्टीमेट वैल्की की पावर ज़्यादा है, अल्टीमेट वैल्की की स्पीड भी ज़्यादा है। और शिट, कितनी बुरी तरह से मारा यार, कितनी बुरी तरह से। तो गाइस, ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट ड्राइवर बन चुका है हमारा, विद स्टेमिना और विद प्रॉपर अटैक। इस स्टेडियम के लिए ये ड्राइवर बेस्ट है, और मैंने बनाया भी लगभग इसी स्टेडियम के लिए, क्योंकि मेरे को देखना था इसकी असली पावर इस स्टेडियम की। और अब पता चल रही है भाई, चाहे बेब्लेड कहीं पे भी हो, इस ड्राइवर के साथ सुरक्षित तो नहीं है। चाहे वो यहाँ पे भी हो, ये ऐसे ऐसे लग के भी ऐसे डायरेक्शन चेंज कर देता है। आपने देखा होगा हरक्यूलिस वाले इसमें फाइट में, बहुत ही अजीब सीन है इसका। ओके, मैक्सिमम गरुड़ा से करते हैं, मैक्सिमम गरुड़ा देखते हैं कितना टिक पाएगा बिना क्लिक्स के, अगर टक्कर होगी तो। कम ऑन, ये लगी भाई, लग गई गया भाई, गया। नहीं, कोई चांस नहीं है भाई। अभी तक एक सिंगल बेबलेट जीत पाया है इससे, वो है ग्रेटेस्ट रफाइल। डायनामाइट बेलियल से कर लेते हैं, ये भी जीत सकता है, मेरे को पूरा भरोसा है इसके ऊपर। बट ये ड्राइवर थोड़ा सा अलग है, तो कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है गाइस। ओके, इन 3-2-1 हो जाए। ये ओ ये भाई, क्या टक्कर मार रहे हैं यार, ये असली फाइट अब देखने को मिल रही है यार इस स्टेडियम में। चलो भाई, डायनामाइट बेलियल को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कितनी तेज टक्कर मार लो इसको। डायनामाइट बेलियल अलग टाइप का बेब्लेड है भाई, इसको नहीं फर्क पड़ता, सच में नहीं पड़ता इसको फर्क। ये हारता ही नहीं है भाई, एक ये और एक ये दो अजीब से बेब्लेड नहीं हारते। इनसे बाद में करेंगे डिटेल फाइट, क्योंकि मेरे को देखना है कि क्या सच में ही नहीं हरा पाएगा इनको। ये मेरे को लगता है एक टक्कर में जाएगा, बच गया भाई। ओ हो, बच गया भाई। भाई सपर रुक जा यार, उठाने दे भाई। नहीं यार, रुक जा भाई। गाइस, ये कुछ ज़्यादा ही था भाई साहब, क्या बुरी तरह से मारा है यार इसको, क्या बुरी तरह से मारा है। बारी है वर्ल्ड स्प्रिगन की, वर्ल्ड स्प्रिगन से करके देखते हैं भाई। ये वीडियो काफ़ी डेंजर हो गई, काफ़ी खतरनाक। चलो भाई, 3-2-1। ओके, वर्ल्ड स्प्रिगन, कम ऑन वर्ल्ड स्प्रिगन को तोते उड़ाने हैं। ये रुक रुक के टक्कर मार रहा है। अरे यार, चलो वर्ल्ड स्प्रिगन भी जीत गया, नहीं जीता भाई, वैल्क्री जीत गया। ठीक है, तो सिर्फ दो बेब्लेड जीते हैं, सिर्फ दो बेब्लेड, और वो हैं ये भाई। ब्रेव वैल्क्री को बहुत बुरी तरह से हराया था इसने। चलो, ये इनकी दो पॉइंट की बैटल करते हैं ढंग से, क्योंकि ये जीते हैं ना, इनसे तो अच्छे से बनती है। ओ भाई, क्या मार रहा है यार ये भाई साहब। अल्टीमेट वैल्क्री, अल्टीमेट ड्राइवर मिल गया अल्टीमेट वैल्क्री को। हालांकि वो इलीगल है, टूर्नामेंट में काम नहीं आएगा, बट फिर भी। ओके, कितना ही अल्टीमेट हो, डायनामाइट बेलियल को हराना नामुमकिन है, नामुमकिन है भाई। मोहन भाई यार, क्यों नहीं हारता ये बेब्लेड, यार ये बच जाता है भाई, इसको टक्कर भी नहीं लग पाती ढंग से। ओके, तो डायनामाइट बेलियल क्लियर विनर है, जो जीता है वो क्लियर ही जीता है भाई, डायनामाइट बेलियल। मेरे ख्याल से क्वाड ड्राइव का, या फिर कह लो क्या कहते हैं उसको, डायनामाइट बैटल का, मतलब डीबी बैटल का, डीबी बेब्लेड का सीरीज का सबसे बेस्ट बेब्लेड डायनामाइट बेलियल ही है। चाहे कितने ही मोड ट्राई कर लो, इसको कोई हरा सकता है तो या तो प्रोमिनेंस फिनिक्स हरा सकता है, या फिर ग्रेटेस्ट रफाइल हरा सकता है। इन दो के अलावा कोई हरा नहीं सकता इसको, क्योंकि भाई ये स्टेमिना और अटैक दोनों का कॉम्बिनेशन बना रखा है एक अच्छे से। तो इसको करते हैं अभी, इन 3-2-1 हो जाए शुरू। वन अल्टीमेट, ये ओ ये ओ शिट,
अटैक खत्म हो गए भाई वैलकिरी के, वैलकिरी के अटैक खत्म हो गए। शिट, लेकिन ग्रेटेस्ट राफेल हर बार जब भी जीतता है ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीतता भाई, बर्स्ट ही कर दिया था इस बार। तो कोई होप है शायद, अल्टीमेट वैलकिरी इसको तो आराम से हरा सकता है। डायनामाइट बेलियल को नहीं हरा सकता बट इसको हरा सकता है। 3-2-1 हो जाए। कम ऑन अटैक 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 अटैक, ये इसको हरा सकता है भाई, इसको हरा सकता है। नहीं हरा सकता यार, ये बच जाता है हर बार बच जाता है। ठीक है, तो इसका जो लाइफ आफ्टर डेथ वाला सीन है वो घूमते घूमते चली जाता है ये। अब करते हैं प्रोमिनेंस फिनिक्स से, लास्ट वेबलेट से कर लेते हैं बस। तो ठीक है गाइस, प्रोमिनेंस फिनिक्स एक लास्ट वेबलेट से कर लेते हैं क्योंकि ये उन दोनों से भी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ तक मेरा अनुमान है ये उन दोनों से स्ट्रॉन्ग है। अरे देखो, फिर से करेंगे। ये थोड़ा सा इसको स्टेबल लॉन्च करना है। नहीं होगा स्टेबल लॉन्च, नहीं होगा ये। रिंग निकलेगी, रिंग। ओ ये भाई लगी भाई, वैलकिरी के लग गई। ओके, अब ये स्टेमिना बैटल हो गई। रिंग ने एक अटैक किया काफ़ी अच्छा वाला, फिर कुछ कर नहीं पाया बट जीत गया प्रोमिनेंस फिनिक्स भी। तो डीबी सीरीज में, एक मिनट, डीबी सीरीज में तो जितने भी बेबलेट थे सभी जीत गए इससे। यार ये तो गलत हो गया भाई, ऐसे थोड़ी होता है यार, डीबी के तो सारे बेबलेट जीत गए इससे। ओ हो, पहली टक्कर में बाहर रिंग। ये है, इस बार कुछ हो सकता है गाइस, या फिर होप ही होगा बस। ना, नहीं हो सकता कुछ भी। तो गाइस जितने भी डीबी बेबलेट थे सारे जीत गए, डीबी बीयू जितने भी थे सारे जीत गए, लेकिन जो हारे हैं वो सारे लोअर सीरीज के हारे हैं इससे। मेरे को लगा अच्छा होगा ये, रुको एक बेबलेट से और कर ही लेते हैं, वैनिश चेक करके देखते हैं। 3-2-1 ओके, कम ऑन। शिट यार, नहीं हो पाया। अटैक की बूस्ट मिलता भाई इसको, एक बात तो है, देखो बूस्ट मिलता है। पूरा अटैक भर के रखा है इसने अपने अंदर, लेकिन ये डीबी बेबलेट्स को नहीं हरा पाया, डीबी और डीबी से ऊपर वालों को। और जहाँ तक मुझे लगता है वैनिश को भी नहीं हरा पाएगा। हाँ तो ठीक है गाइस, जितने भी डीबी थे सारे लगभग जीत गए इससे। अरे यार ये गलत हो गया, मैंने सोचा था अच्छा निकलेगा, अच्छा तो निकला यार, अच्छा ऐसा तो कोई डाउट नहीं है, सब हराए हैं इसने लगभग, जितने टीटी वाले भी हैं और हैशब्रो वाले भी हैं वो हरा दिए, वर्ल्ड स्प्रिगन भी हरा दिया, ब्रेव वैल्करी भी हरा दिया, बट जिसको हरा नहीं पाया वो थे ये, इनको नहीं हरा पाया, इनको ये है ना, ये इनको नहीं हरा पाया। तो ये था हमारा अल्टीमेट वैल्करी विद अल्टीमेट मोड, लेकिन इसको हम यूज़ कर सकते हैं डायनामाइट के मोड के साथ इसमें, फिर डायनामाइट को कोई नहीं हरा पाएगा। लेट्स सी क्या होता है, इससे करके देखते हैं। लेट्स सी भाई, डायनामाइट कम ऑन। अगर डायनामाइट इस मोड के साथ जीत गया तो मानना पड़ेगा कि डायनामाइट में दम है, नहीं तो वो ड्राइवर ही अच्छा है भाई डायनामाइट का बस। ओके, तो वो ड्राइवर ही अच्छा है, जो परफॉर्मेंस टिप है उसकी वो वाली ही अच्छी है। हाँ सेम रिजल्ट गाइस, तो जो ड्राइवर है इतना भी कुछ खास नहीं है जितना हमने सोचा था, बट काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी फास्ट है, काम आ सकता है कभी हमारे फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए तो नहीं है। हाँ एक चीज़ कह सकता हूँ मैं, जो वैलकिरी का ड्राइवर था उससे अच्छा है ये वाला, उससे अच्छा है भाई। ठीक है ओके गाइस, तो बताओ कैसी लगी वीडियो आज की, आई होप अच्छी लगी होगी, मैंने काफ़ी ट्राई किया और काफ़ी बड़ी भी करी थी वीडियो। तो ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।